खबर जैसलमेर से, जहां दो लापता मासूमों के शव पड़ोसी के टांके में मिले हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को मोर्चरी में रखवाया। वहीं शवों पर निशान देखकर परिवारजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, दोनों मासूमों के शव टांके में मिले हैं और हत्या की आशंका परिवारजनों के द्वारा जताई जा रही है, अभी का क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये दो बच्चे हैं जो कल दोपहर को जो है अपने घर से लापता थे, जिसकी गुमशुदगी को लेकर परिवारजनों के साथ ही पुलिस भी तलाश कर रही थी। देर रात ही जो है उन दोनों बच्चों के जो शव है अपने ही पड़ोसी के घर के टाके में मिले हैं। शव पर जो है कुछ निशान संदिग्ध परिस्थिति के लग रहे थे, इसको लेकर जो है हत्या की आशंका जो है परिवारजनों ने पुलिस के सामने जताई है। हालांकि पुलिस के द्वारा जो शव को अभी मोर्चरी में रखाया गया है, मोर्चरी में उनका पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा कि हत्या है या फिर वो स्वाभाविक मृत्यु है। इसको लेकर आपको बता दूं कि अभी जो है मोर्चरी में जो है शव रखवाया गया है और थोड़ी देर बाद उनका पोस्टमार्टम होगा और उनके बाद ही जो है मेडिकल टीम के द्वारा ये पुष्टि की जाएगी कि उनकी हत्या का कारण क्या रहा है। आपको बता दूं कि ये दोनों बच्चे जो है वो कल दोपहर 3 बजे से जो है जिनका नाम आदिल वो हसनैन था, उम्र महज 6 वर्ष है, तो ये दोनों जो है अपने घर से लापता थे और परिवारजनों के साथ ही आस पड़ोस के लोगों ने उनकी तलाश की, लेकिन कोई भी उनकी खबर न मिलने के बाद देर शाम जब पुलिस के द्वारा जो है वो देखा गया तो आस के ही एक पड़ोसी के टाके के अंदर इन दोनों का शव जो है तैरते नजर आए और इसके बाद पुलिस ने अपने कब्जे में शवों को ले लिया है। तो आपको बता दूं कि ये जो दोनों बच्चे हैं जो जैसलमेर के बबर मगरा रहने वाले थे और जो 6 वर्ष के इनकी आयु बता जा रहे हैं। जी जी प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।